Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to start new concept, that is multiply. 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 Now what is multiply? Multiply होता क्या है? आप सबने addition किया है? Addition ऐसे करते थे हम, जैसे 2 + 2, that is 4, है ना? Subtraction भी किया है, 6 - 2, that is 4. ये किसका sign है? Addition का. ये किसका sign है? Subtraction का. ऐसे ही multiply का sign होता है, this one. This is the sign of multiply. Plus में भी आप cross बनाते हो, उसमें सीधी lines होती है. Multiply में भी cross बनाते हो, उसमें इस type की lines होती है. This is the sign of multiply. अब multiply होता क्या है? What do you mean by that? अब फॉर लर्निंग द मल्टीप्लाई सी हियर, टू स्टार्स यहां पे हैं. अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने हैं, टू यहां है प्लस एक ग्रुप में टू है, यहां भी टू है, यहां भी टू है. टू प्लस टू दैट इज 6. टोटल कितने स्टार्स हैं? 6. हम यहाँ पे रिपीटेड एडिशन यूज कर रहे हैं. व्हाट इज रिपीटेड एडिशन? एडिशन क्या होता है? ऐड करना. कर रहे हैं हम ऐड. रिपीटेड मतलब सेम नंबर को बार बार कर रहे हैं. जैसे 2 फिर 2 फिर 2, सेम नंबर को बार बार ऐड कर रहे हैं ना. तो रिपीटेड एडिशन, इसको क्या कहते हैं? रिपीटेड एडिशन. अब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब देखो, अगर आपके पास 3 थे तो आपने इजीली ऐड कर दिया, है ना. अगर ज्यादा आ जाए आपके पास फिर क्या करोगे? सपोज, जैसे सपोज 2 स्टार्स यहाँ पे हैं, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर. अगर आपको पूछा जाए टोटल कितने, तो आप फिर ऐड करोगे 2 2 और हैं 2 अगेन 2 अगेन 2 अगेन 2. नाउ वी विल ऐड 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 10 12. ये बार बार ऐड करना, इट इज डिफिकल्ट, है ना. तो इसको हम इजी वे में करेंगे. वो कैसे करेंगे? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई. अब चेक करो कितने ग्रुप्स हैं इक्वल चीजों के. कितने ग्रुप्स हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 ग्रुप्स हैं, है ना. एक ग्रुप में कितने स्टार्स हैं? 1 2. हेयर ऑल्सो 2 2 2 2 2. 2 स्टार हैं मल्टीप्लाई. कितने टाइम्स है 2 स्टार्स? 1 2 3 4 5 6. 2 × 6. 2 का टेबल 6 तक रीड करो. 2 1 2 2 2 4 2 3 6. 2 8 2 4 8. 2 5 10. 2 6 12. आंसर इज सेम. हमने उसको बार बार ऐड किया और एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, तो आंसर सेम आ गया, है ना. सो बार बार ऐड करना इजी है क्या एक बार मल्टीप्लाई करना? मल्टीप्लाई करना, दिस इज वन स्टेप. यहां पे आप बार बार ऐड करोगे. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन, राइट. आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल. नाउ लुक एट दिस वन मोर एग्जांपल. देयर आर, व्हिच इज दिस शेप? वी हैव डन अ ट्रायंगल. इसमें भी 3 ट्रायंगल्स हैं. इन दिस सर्कल ऑल्सो, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो. यहाँ पे 3 3 ट्रायंगल्स हैं हर जगह. अगर मैं पूछूं कि टोटल कितनी ट्रायंगल्स हैं, तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे इसको. 3 फिर से 3 अगेन 3 अगेन अगेन. 5 times 3 3 + 3 6. 6 + 3 9 9 + 3 12 12 + 3 15. टोटल कितनी ट्रायंगल्स हैं? 15. अगर मैं दूसरे वे से करूं, एक ग्रुप में कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 3 ट्रायंगल्स हैं, है ना. एक ग्रुप में यहां भी 3 है, यहां भी और यहां भी 3 है. तो ग्रुप्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. 3 × 5, 3 × 5. हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, 3 × 5 और 3 × 5. अब 3 का टेबल 5 तक रीड करो. 3 1 3
थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, बोथ आंसर्स आर सेम। सो बार बार ऐड करने की बजाय हम एक टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट। जैसे थ्री इंटू फाइव इक्वल टू फिफ्टीन है, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट। ये क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या कहते हैं, जो आंसर आता है दैट इज प्रोडक्ट। जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सो दिस इज मल्टीप्लीकेशन, राइट। नेक्स्ट यू विल सी इन द यूट्यूब वीडियोज। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज क्लियर टू यू। फॉर दिस रिपीटेड एडिशन यू कैन वॉच द लूम वीडियो ऑल्सो। थैंक यू ऑल।